अंकलेश्वर ओएनजीसी आवेला ऑडिटोरियम हॉल खाते संरक्षण सप्ताह अंतर्गत 3 सप्ताह सुधीना सक्षम कार्यक्रम नो प्रारंभ करायो, जेमा पेट्रोलियम पैदाशो अने ऊर्जा बचावा माटे लोकोमां जनजागृति फैलाय ते माटे एसेट मैनेजर विजय कुमार गोखले द्वारा सक्षम रथ ने प्रस्थान करावी हतुं। आजादीना अमृत महोत्सव अंतर्गत भारत सरकारना पेट्रोलियम एंड नेचरल गैस मंत्रालय द्वारा क्लीन एंड ग्रीनना स्लोगन साथे तारीख 11 एप्रिल थी तारीख 30 एप्रिल दरमियान सक्षम कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां पेट्रोलियम पैदाशो अने ऊर्जा बचाववा माटे लोकोमां जनजागृति फैलाय ते माटेनुं अभियान हाथ धरवामां आव्युं छे। सक्षम रथ द्वारा तेल अने गैस, पेट्रोल डीजल, ऑइल तेमज ऊर्जानी बचत माटे लोकोने માહિતગાર કરવાનો પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે અંકલેશ્વર ઓએનજીસી કોલોનીમાં આવેલ ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે ઓએનજીસીના એસેટ મેનેજર વિજયકુમાર ગોખલેના અધ્યક્ષતા હેઠળ સક્ષમ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ઓએનજીસીના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। લોકોમાં પેટ્રોલિયમ પેદાશો અને ઉર્જાની બચત માટે જનજાગૃતિ અભિયાનનો પ્રારંભ કરાયો હતો અને અંકલેશ્વર તાલુકા અને શહેરી વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિયમ પેદાશો અને ઉર્જાની બચત અંગેના જનજાગૃતિ રથનું એસેટ મેનેજર વિજયકુમાર ગોખલેએ પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। આ રથ અંકલેશ્વર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને શહેરી વિસ્તારોમાં ફરી પેટ્રોલિયમ પેદાશોની બચત અંગે લોકોને માહિતગાર કરવામાં આવશે। ओएनजीसी ऑफिसर्स महिला समिति की ओर से मैं अंजलि गोखले, प्रेसिडेंट ओम्स, ये वादा करती हूँ कि ओएनजीसी के इस सक्षम उपक्रम में हम उनका साथ देंगे और हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए उनके साथ रहेंगे। जिस तरह से कंपनी हर तरह से इस उत्पादन के लिए, कंजर्वेशन के लिए आगे प्रोत्साहित करती है, मैं अपनी महिलाओं से और हमारी टीम से ये अपील करूंगी कि हम भी इस एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इसी तरह से इनका साथ देंगे। धन्यवाद। नमस्कार। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सक्षम 2022 अर्थात संरक्षण क्षमता महोत्सव का आयोजन ओएनजीसी अंकलेश्वर परिसंपत्ति की ओर से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी वर्गों में, समाज के सभी भागों में पेट्रोलियम उत्पादों के बचाव के प्रति और उसके जागरूक उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। हमारा देश, जैसा हम जानते हैं, कि अधिकतर अपनी एनर्जी डिमांड्स के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर ही निर्भर है और जो कि हमको अधिकतर इसको आयात करना पड़ता है और जिसमें हमारी फॉरेन करेंसी एक बहुत बड़ा भाग इसमें चला जाता है। तो जितना हम इसको बचाव से यूज़ करेंगे उतना ही हम लोगों को इसमें फ़ायदा होगा कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज कम होगी। किसी भी वस्तु का दुरुपयोग रोकना ये हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है और इसलिए इस बारे में सब लोगों को जागरूक करके सबका एक सम्मिलित प्रयास करना यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। साथ ही साथ एनवायरनमेंट के प्रति अभी जो जागरूकता फैल रही है, वैश्विक स्तर पर हम लोग चाहते हैं कि हमारे कार्बन फुटप्रिंट कम हो और हम अल्टरनेट एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जीज के उपयोग में बढ़ावा करें। ओएनजीसी भी इस प्रयास में सतत कार्यरत है और जितना हमारा विंड एनर्जी और सोलर इंजीनियरिंग में ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं और जियोथर्मल और बाकी टाइडल और अन्य उपयोगों में भी हम लोग जाने वाले हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं और जो हमारे लिए लक्ष्य 2030 तक हासिल करने के लिए रखे हैं उसमें हम भी अपना योगदान कर सकें और एक हद तक हम भी रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी एक पोजीशन बना सकें। धन्यवाद।